जो थंबनेल में लिखा वही स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले 2 मिनट के लिए आपसे जस्ट कुछ टॉकिंग कर लेता हूँ कि जिस भी भाई तक इस टाइम पर मेरी वीडियो पहुँच पा रही है, मतलब जो भी मेरी इस टाइम पर वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पर आपको ओनली एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके कुछ काम का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपके काम का नहीं है, आपका एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है इस टाइम पर, तो आप सब्सक्राइब ना करें। बट मे बी हो सकता है आपके फैमिली के अंदर कोई स्टूडेंट हो, आपके रिलेटिव में कोई स्टूडेंट हो, तो आप उनको हमारी इस वीडियो के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब उनके पास हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। फ्यूचर प्रेजेंट में हमारा जो प्लान है इस चैनल पर, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट अपलोड करने का है। बट उसके लिए ज़रूरत है कि पहले आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग हमें सपोर्ट करें, तो जितना आप स्पीड से आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, उतने ही स्पीड से हम अपना जो सिलेबस है इस पर अपलोड कर पाएंगे। सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको काम है, आपको करना है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी वीडियोज़ को शेयर करो, और उनके पास शेयर करो जिनकी इन वीडियोज़ को रिक्वायरमेंट है। ऐसे किसी पर्सन के पास ना करो, क्योंकि जिनका एजुकेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है तो उनके पास शेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सिर्फ आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें सपोर्ट करो, और फ्यूचर में भी हो सकता है कि हम लोग कुछ नए कोर्सेज भी इस चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दें। डिपेंड करता है कि जो हमारे चैनल की ग्रोथ है वो किस प्रकार की है। अगर चैनल की ग्रोथ अच्छी मिलती है, आप लोगों को बेटर सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग इस पर बेटर स्पीड से, मतलब उतनी स्पीड से अपना जो सिलेबस है वो अपलोड कर पाएंगे। तो अगर जितने स्पीड से हमारे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर 6 से लेकर 12 तक का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इस पर अपलोड हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, और लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अब हम स्टार्ट करेंगे 7.7 एक्सरसाइज हमारी। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, पूरी एक्सरसाइज 3 फॉर्मूलों के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आप लोगों ने, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आंसर आपका आ जाएगा। एक्सरसाइज में आपको दिमाग नहीं लगाना 1% भी, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई आप लोगों ने 6 एक्सरसाइज कर ली, 7.6 तक काफ़ी दिमाग लगा लिया, अब आप सिर्फ अपना थोड़ी प्रैक्टिस करो, दिमाग मत लगाओ, जो हम लोगों ने फॉर्मूले दिए हैं आप उसमें क्वेश्चन पुट करो, चीज़ें पर अपनी वैल्यू पुट करो, अपना आंसर फाइंड करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, साथ साथ मैं लिखता रहूँगा। और दूसरी बात, फॉर्मूले मैंने बताया था आप लोगों को, कभी भी उन चीज़ों को रटो मत। आपने करना है क्या, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। 11 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से ट्राई कर लेना क्योंकि ईजी है। 11 और 2 13 क्वेश्चन, टोटल मिला के 13 क्वेश्चन हो गए आपके। 2 बार प्रैक्टिस करोगे 26 हो गए। जब 26 बार आप किसी फॉर्मूले को लिखोगे तो जाहिर सी बात है वैसे याद हो जाएंगे आप लोगों को, याद करने की रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे में भी मैं हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले लिखता रहूँगा, तो भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन्होंने भी हमारे क्वेश्चन टाइप किए हैं उन्होंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, पर पीछे डीएक्स नहीं लगाया। अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है तो पीछे डीएक्स लगाना चाहिए था, ओके, या तो इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं लगाते। चलो कोई नहीं, अब हम लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 - x2, तो 4 को मैं क्या लिख दूँ, 2 का स्केयर लिख दूँ, 2 का स्केयर - x2 इंटू dx। तो 3 फॉर्मूले हैं, उसमें से 1 फॉर्मूला होता है, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ a² - x2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 एज इट इज जो हमारे पास है वही लिख देंगे, a² - x2 माइनस a² / 2, माइनस नहीं प्लस आएगा इसके अंदर, ओके, क्या आएगा यहाँ पर, प्लस साइन इनवर्स। अब a² - x² है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। उसके अलावा दो जो अलग कंडीशन है दोनों के अंदर क्या आएगा, लॉग, ओके, साइन इनवर्स x/a। ये अगर आप लोगों ने पहले पढ़े हैं और फॉर्मूले तो आप इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि इस प्रकार का एक फॉर्मूला पहले भी यूज हुआ है, प्लस सी, ओके। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है इसके अंदर। तो देखो कौन सी कंडीशन बढ़ रही है, a² - x², तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो x/2, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर क्या है, x ही है, तो ये लिख देंगे x/2 अंडर रूट ऑफ a² - x², मतलब 2² - x², क्लियर यहाँ तक, प्लस a² / 2, तो a के प्लेस पर कौन है, 2, तो a² हो जाएगा, मतलब 2 का स्केयर 4/2 साइन इनवर्स x/a, x/2 प्लस सी। हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। कुछ आप इसमें कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो थोड़ा बहुत, x/2
इसको आप खोल के लिख सकते हो, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू पर। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो कोफिशियंट है फोर का, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसे हमें क्या करना है, खत्म करना है, मतलब वन बनाना है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, अगर आप कहें तो मैं इसमें से फोर कॉमन ले लूँ यहाँ पर, अगर मैं फोर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर इस फोर को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, अंडर रूट में से बाहर जाएगा कितना बचेगा, टू, टू को मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख लेता हूँ क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। अंडर रूट ऑफ वन अपॉन, वन अपॉन फोर को मैं क्या लिख दूँ, वन अपॉन टू का स्केयर माइनस एक्स स्केयर लिख दूँ इन टू डी एक्स। तो ये सेम फॉर्मूला बन गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ओके, इसका क्या फॉर्मूला था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स अपॉन टू, एक्स के प्लेस पर कौन है, ओनली एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टू। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये बार टू है, इसको मत भूल जाना आप लोग। एक्स अपॉन टू एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, मतलब वन अपॉन टू का स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस साइन इनवर्स प्लस, सॉरी ए स्केयर अपॉन टू। जब हम पहले ए स्केयर अपॉन टू करेंगे तो साइन इनवर्स से पहले मुझे क्या लगाना है, ए स्केयर अपॉन टू। ए के प्लेस पर कौन है यहाँ पर, वन अपॉन टू, तो मतलब वन अपॉन टू का स्केयर ए स्केयर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स के प्लेस पर एक्स है और ए के प्लेस पर है वन अपॉन टू प्लस सी, ब्रैकेट जरूर क्लोज कर दो, प्लस सी। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो आप करना चाहो तो। अब मैं टू से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ओनली एक्स अंडर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वन अपॉन फोर और नीचे टू है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, लेकिन इस टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अपॉन एट, मतलब इस टू से मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है ना, एंड साइन इनवर्स और ये वन अपॉन टू है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स एंड प्लस सी। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को हम, इस अंडर रूट को, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, एक्स अंडर रूट, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में जो फोर रहेगा, अगर मैं उसको अंडर रूट से बाहर लेके आऊँगा तो क्या आ जाएगा, टू, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टू प्लस, इसे ये देखो कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बचेगा फोर, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फाइनल आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में हमारे पास दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, तो हमें क्या बनाना है, इसके परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं पहले इसका हम, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। देखो अब मैं आपको ना काफ़ी बार बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, वो टू ए बी लगा के कि हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है किस प्रकार से बनाते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है यार उस पर काफ़ी काम हम लोगों ने कर लिया, तो उसमें अभी तक आप लोग परफेक्ट हो चुके होंगे। अब हम 7.7 एक्सरसाइज में पहुँच चुके हैं, अगर मैं आपको इसी प्रकार से कराता रहूँगा क्वेश्चन तो फिर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ों को। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स, देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशियंट प्लस वन है तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, और ये कितना है फोर एक्स, फोर एक्स है तो मतलब इसका जो हाफ, इसके अंदर बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, टू ए बी, मतलब इसकी बी की वैल्यू आएगी, आप जनरल सिंपल ये मान के चलो जो यहाँ पर कोफिशियंट दे रखा है ना इसका हाफ कर दो, यहाँ पर इसका हाफ कितना आ जाएगा टू, तो टू का स्केयर कर दो, एक्स प्लस टू का स्केयर, साइन जो इसके आगे हो प्लस का हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है, प्लस सिक्स यहाँ पर था और इस टू का स्केयर करके यहाँ पर आप माइनस कर दो। ओके, इनटू डीएक्स। अब इतना काम आपको नहीं करना पड़ेगा, इन चीज़ों को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या करना है एक्स प्लस इसका हाफ, ओके, एक्स प्लस उसका जो हमारे पास कोफिशियंट दे रखा है एक्स का, उसका हाफ लिखो यहाँ पर, कंप्लीट का स्केयर प्लस उसका जो हाफ आया उसका स्केयर करके माइनस कर दो, बस इतना याद रखो आप लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस टू का होल स्केयर एंड ये बचा हमारे पास प्लस टू, कितना बचा प्लस टू, तो मैं क्या इसको रूट टू का स्केयर लिख दूं इनटू डीएक्स, कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ ना,
तो अब ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का, एक होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका क्या फॉर्मूला होता है सेम एक्स अपॉन टू आपने एज इट इज लिखना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जो हमारे पास है वही चीज़ लिखनी है एज इट इज आप लोगों ने, ठीक है। ये तो हर फॉर्मूले में आप लोगों ने करना ही है, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले लर्न करना काफ़ी ईजी है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के अंदर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू, ए स्क्वेयर अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस, फिर अगेन वही तो चीज़ सेम है हमारे पास, सेम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर मॉडुलस ओके प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है, ये हमें क्या करना है यहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, हमारे पास क्या है एक्स के प्लेस पर क्या है एक्स प्लस टू। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो x के प्लेस पर x प्लस टू को पुट कर देते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि x का जो कोफिशियंट है क्या है प्लस वन है ओके। बट अगर आप t मानना चाहते हो तो t एज्यूम कर सकते हो, x प्लस टी को हम क्या मान लेते हैं, x प्लस टू को हम क्या मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा dx एक्स इक्वलेंट टू dt। आप इस चीज़ को पुट कर दो यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ये हो गया टी स्केयर प्लस रूट टू का स्केयर इंटू dt। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि x का जो कोफिशियंट है प्लस वन है, अगर आप डायरेक्ट पुट कर देते फॉर्मूला अप्लाई कर देते इससे भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़ें ओके। तो यहाँ पर x के प्लेस पर कौन आ गया t, तो हो जाएगा t अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर मतलब टी स्क्वेयर प्लस रूट टू स्क्वेयर, तो मैं इसको टू ही लिख दूँ ओनली, टी स्क्वेयर प्लस रूट टू स्क्वेयर को मैंने क्या लिख दिया टू लिख दिया, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू, ए स्क्वेयर कितना है हमारे पास रूट टू, तो रूट टू का स्क्वेयर करेंगे तो टू आ जाएगा, अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या है यहाँ पर टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टू एंड प्लस सी। अब सिंपली आपने क्या करना है, टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया फाइनल ओके। अगर आप कहो तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से इरेज कर दूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी के प्लेस पर क्या था एक्स प्लस टू को हमने टी माना था, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट ऑफ टी के प्लेस पर जब हम रखेंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर प्लस टू एंड प्लस ये टू अपॉन टू क्या हो जाएगा वन लॉग मॉडुलस ये आ जाएगा एक्स प्लस टू एंड प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर प्लस टू और प्लस सी। अब सिंपली करना क्या है आप और इसमें कुछ सिंप्लीफाई हम कर भी नहीं सकते, सिर्फ जो अंडर रूट के अंदर है इसको हम थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट, वैसे आज आप इसको ओपन करोगे तो जो हमारा क्वेश्चन है ना वही निकल के आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस चीज़ को एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू एंड प्लस अंडर रूट के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है आप एज इट इज पुट कर दो 4x प्लस सिक्स मॉडुलस क्लोज प्लस सी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पर। अच्छा कुछ चीज़ें मेरी इमेज के नीचे कवर तो नहीं हो रही थी यहाँ पर, बाकी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं, वहाँ पर सिक्स था यहाँ पर वन लिख दिया, काम वही सेम करना हम लोगों को। तो इंटीग्रेशन ऑफ फिर वही बनाता हूँ मैं यहाँ पर, x प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दूंगा, इसका जो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 इसका स्क्वेयर प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे, और जो 2 आया है इसका क्या करेंगे स्क्वेयर करके यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो आई थिंक आप इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि वहाँ पर मैं अगर ये सब चीज़ें डायरेक्ट बताता आप लोगों को तो क्लियर होना चाहिए ना ये चीज़ होती कैसे है, किस प्रकार से ये सब चीज़ निकल के आती है ओके। डायरेक्ट बताने में तो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता हूँ चीज़ें, लेकिन फिर वो सब चीज़ें हो किस प्रकार से रही है अगर वो समझ नहीं आया तो हो सकता है फ्यूचर में आप कन्फ्यूज हो जाओ इन चीज़ों से। अगर कभी आप इस प्रकार से भूल भी जाओ तो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो फिर। तो x प्लस टू का होल स्क्वेयर ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो मैं इसको रूट थ्री का स्क्वेयर लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ओनली साइन का डिफरेंस है। ओके, तो आ जाएगा एक्स अपॉन टू। देखो अब मैंने वो क्वेश्चन टी मान के किया था, इस क्वेश्चन को मैं बिना टी माने कर रहा हूँ, अब टी नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स का कोफिशियंट है ना यहाँ पर, एक्स प्लस टू का जो स्केयर है यहाँ पर, एक्स का कोफिशियंट क्या प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर एक्स का जो कोफिशियंट कुछ और होता तो हो सकता है आपको आंसर में डिफरेंस आ सकता है, वहाँ पर आपको टी मानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पर नहीं भी मानते कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी एक्स के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स प्लस टू। तो फॉर्मूला क्या हमारा, एक्स अपॉन टू, तो एक्स के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा, एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो एक्स के प्लेस पर जरूर याद रखना आपने एक्स प्लस टू रखना है पूरा, माइनस रूट थ्री का स्क्वेयर। ओके, माइनस है तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, ए स्क्वेयर अपॉन टू, ए स्क्वेयर कौन है यहाँ पर, रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वेयर करेंगे तो थ्री अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स, तो एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस टू है, मैं इसको डायरेक्ट रख रहा हूँ। टी मानते फिर टी मान के दोबारा बाद में पुट करना पड़ता है, एक ही बात है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस रूट थ्री का स्क्वेयर करेंगे तो मैं थ्री लिख देता हूँ यहाँ पर ओनली। ओके, एंड प्लस सी, आप सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ गया। तो एक्स प्लस टू अपॉन टू एज इट इज रहेगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन था वही निकल के आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन था एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स एंड प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव पर। फाइव नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी सेम है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन, तो हम इसको प्लस वन बना लेते हैं पहले। वो कैसे करेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब हम क्या करते हैं, अपना स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस, फोर का हाफ हो जाएगा टू, इसका स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज रहेगा, और इस टू का स्क्वेयर करके हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस फोर इंटू डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू, ये ब्रैकेट ज़रूर याद रखना, ये हो गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस, माइनस वन माइनस फोर कितना हो गया, माइनस फाइव, मतलब ये माइनस ही रहेगा, तो मैं इसको लिख दूँ रूट फाइव का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब आप इस माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, तो क्या हो गया, रूट फाइव आ गया जाएगा, रूट फाइव का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब इसमें क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स लग जाएगा इस बार। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू सेम टू सेम रहेगा एज इट इज, प्लस ए स्केयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों, क्योंकि जो एक्स का कोफिशियंट है क्या है, प्लस वन है। अगर आप कहो तो मैं इनको टी मान के भी करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो एक्स प्लस टू को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, आ जाएगा डी एक्स इक्वलेंट टू डी टी। ओके, अब रख दो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ रूट फाइव का स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अपॉन टू मतलब टी अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब फाइव माइनस टी स्क्वेयर, क्लियर, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू मतलब फाइव अपॉन टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब टी अपॉन रूट फाइव प्लस सी। अब सिंपली टी की वैल्यू पुट कर दो आप, हमारा आ गया आंसर, तो एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर प्लस फाइव अपॉन टू साइन इनवर्स
एक्स प्लस टू अपॉन रूट फाइव एंड प्लस सी। तो ये है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इस अंडर रूट के अंदर को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ें मेरी इमेज के नीचे कवर हो रही हैं तो मैं दो मिनट के लिए मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा, बस आप दो मिनट वेट करो। तो आप जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है जो हमारा क्वेश्चन होता है वही निकल के आ जाता है अगेन। तो वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन रूट फाइव प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें मेरी इमेज के नीचे कवर हो रही हैं तो मैं दो मिनट के लिए हो जाता हूँ गायब। आप चीज़ों को नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स प्लस इसका फोर का हाफ क्या टू का स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस फाइव एज इट इज रखूँगा और इस टू का स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा, मतलब माइनस फोर डी एक्स। बस यही काम करना था, आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया माइनस नाइन। तो माइनस नाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारे पास, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, लॉग लगेगा, माइनस का साइन है तो लॉग से पहले क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप चाहो तो टी मान लो, अब मैं बिना टी माने पुट कर देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट प्लस वन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना माने कर सकते हो, कर सकते हो, अगर चाहो तो डायरेक्ट टी मान के करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, काफ़ी क्वेश्चन हो गए तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, एक्स अपॉन टू। तो एक्स के प्लेस पर यहाँ पर है एक्स प्लस टू अपॉन टू एज इट इज आ जाएगा ये हमारा, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर। ओके, अगर मैं आप लोगों के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसके अंदर ये क्वेश्चन लिख देता, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसी को लिखना है। ओके, अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दूंगा यहाँ पर मैं, ए स्क्वेयर अपॉन टू, ए स्क्वेयर मतलब कितना हो गया हमारा नाइन अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स। तो एक्स के प्लेस पर है एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस सी। आप नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो इसको ओपन करके लिख दो, एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट। आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वही निकल के आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव माइनस नाइन अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव मॉडुलस प्लस सी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन पर। तो सेवन नंबर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस, तो जो एक्स का कोफिशियंट है कितना माइनस वन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, अब मैं इसको ईजिली क्या कर सकता हूँ, स्क्वेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। माइनस वन को मैं बाहर रखूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, थ्री का हाफ हो जाएगा थ्री अपॉन टू का होल स्केयर, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्केयर। माइनस वन को मैं एज चीज़ लिख देता हूँ और इस थ्री अपॉन टू का स्केयर करके माइनस कर देता हूँ, मतलब थ्री अपॉन टू का स्केयर हो जाएगा नाइन अपॉन फोर। ओके, एंड डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, माइनस वन को मैं बाहर रखूँगा और अब ये देखो क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू तो हमारा एज इट इज़ है माइनस, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस नाइन माइनस थर्टीन अपॉन फोर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू का होल स्क्वायर। भाई कितना था, थर्टीन अपॉन फोर था ना, तो मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू का होल स्क्वायर लिख दिया इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये जो नेगेटिव है ये आगे आ जाएगा, मतलब अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू ओके का होल स्क्वायर आगे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। अब सिंपली फॉर्मूला बन गया हमारा,
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का, और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आप सभी को पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर देते फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आता है, एक्स अपॉन ए, पहले मैं टी मान लेता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए इस प्रकार से, फिर आप बोलोगे कि हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक्स माइनस थ्री अपॉन टू को टी मान लेता हूँ, तो आ जाएगा डी एक्स इक्वलन टू डी टी। ओके, तो पुट कर दूँ यहाँ पर, तो अंडर रूट ऑफ रूट थर्टीन अपॉन टू का होल स्केयर माइनस टी स्केयर इंटू डी टी। अब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू, एक्स के प्लेस पर कौन है यहाँ पर टी, तो यह आ जाएगा टी अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एज इट इज रहेगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, मतलब रूट थर्टीन अपॉन टू का स्केयर माइनस टी स्केयर, प्लस का साइन आ जाएगा ए स्केयर अपॉन टू, ए के प्लेस पर कौन है यार रूट थर्टीन अपॉन टू, इसका स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब थर्टीन अपॉन फोर। ओके, थर्टीन अपॉन फोर अपॉन टू, थर्टीन अपॉन फोर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स अपॉन ए मतलब क्या हो गया टी अपॉन रूट थर्टीन अपॉन टू प्लस सी, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। सब हमने क्या करना है, ओनली टी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी कितना था हमारा एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू अपॉन टू अंडर रूट, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर स्केयर हटा देता हूँ, थर्टीन अपॉन फोर लिख दूँ, माइनस टी के प्लेस पर एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का स्केयर प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा थर्टीन अपॉन एट साइन इनवर्स टी के प्लेस पर आ गया एक्स माइनस थ्री अपॉन टू अपॉन रूट थर्टीन अपॉन टू प्लस सी। अच्छा, मैं दो सेकंड के लिए मिस्टर इंडिया बन जाता हूँ क्योंकि चीज़ें कुछ हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रही होगी यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाले का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री अपॉन, वो टू नीचे आएगा, एक टू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हो जाएगा रूट सॉरी टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर अंडर रूट। जब इस अंडर रूट के जो अंदर लिखा है इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है क्या मिलता है, जो हमारे पास कहाँ पर है क्वेश्चन में दे रखा है वही क्या भी होगा, हम लोगों को एज इट इज चीज़ मिल जाएगी। तो मैं लिख दूँ इसको वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड प्लस थर्टीन अपॉन एट साइन इनवर्स, इसमें देखो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री अपॉन, नीचे रूट थर्टीन के भी अपॉन में टू है, उसके भी अपॉन में टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा ओनली रूट थर्टीन प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर सेवन का फाइनल आंसर। ओके, अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट उस पर। लेकिन उससे पहले मैं प्रेजेंट हो जाता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इन टू डी एक्स, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसी के अंदर, अंडर रूट ऑफ एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दूंगा, थ्री का हाफ हो जाएगा थ्री अपॉन टू का होल स्केयर, और क्या करूँगा इसके जो माइनस है उसका इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब इसी का स्केयर, तो नाइन अपॉन फोर एंड डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्केयर, ये थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर, थ्री अपॉन टू का होल स्केयर माइनस, इसको मैं लिख दूँ थ्री अपॉन टू का स्केयर इंटू डी एक्स, तो क्या किसका फॉर्मूला बन गया एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का, तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई कर देते हैं एक्स का कोफिशियंट प्लस वन, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स अपॉन टू, तो एक्स के प्लेस पर कौन है यहाँ पर एक्स प्लस थ्री अपॉन टू अपॉन टू, ओके, अंडर रूट ऑफ ये एज इट इज रहेगा एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्केयर माइनस नाइन अपॉन फोर, क्लियर भाई, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आएगा ना, एंड जो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा ए स्केयर अपॉन टू, ए स्केयर मतलब यही नाइन अपॉन फोर अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस
एक्स के प्लेस पर कौन है, एक्स प्लस थ्री अपॉन टू, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, चलो एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्केयर माइनस ए स्केयर नाइन अपॉन फोर मॉडुलस प्लस सी। ओके, तो ये क्वेश्चन का हो गया हमारा राइट आंसर। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना इन चीज़ों को। तो ये हो जाएगा 2x प्लस थ्री, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस थ्री, और नीचे भी एक 2 है तो हो जाएगा 4 अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था वही मिल जाएगा अगेन हमें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ये हो जाएगा 9 अपॉन 8 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस थ्री, मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस थ्री अपॉन 2 प्लस मॉडुलस, सॉरी अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स प्लस थ्री सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स मॉडुलस प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ओके, कुछ चीज़ें मेरी इमेज के नीचे आई थिंक कवर हो रही हैं, तो फिर से मैं 2 मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। इंटीग्रेशन ऑफ, आप कहीं तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहीं की यहीं पर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू डीएक्स। अब जो अपॉन में 9 है मैं इसको अंडर रूट से बाहर ले जाके बाहर रख लेता हूँ, तो बाहर जाएगा तो हो जाएगा 3, तो मैं इसको 1 अपॉन 3 को आगे रख लेता हूँ। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्केयर बच गया, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। देखो 3 का स्केयर आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं ना इसको हम, तो क्या फॉर्मूला बन गया एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 अपॉन 3 बाहर है, ब्रैकेट अप्लाई कर लो, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, मतलब 9 प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा यहाँ पर भी, ए स्केयर अपॉन टू, ए स्केयर मतलब कौन हो गया यहाँ पर 9 अपॉन टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, मतलब एक्स स्केयर प्लस 9 क्लोज मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ब्रैकेट ज़रूर अप्लाई कर देना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों को इसको 1 अपॉन 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन 6 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस, जब इसको करेंगे तो देखो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर, तो हमारे पास बचेगा ये 3 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 में आपकी बुक में 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 या 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जो हमारा राइट आंसर आए आप चेक कर लेना आपका कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहा है ख़त्म हो गया, वैसे ही फॉर्मूला कौन सा बन रहा है एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर लिख सकते हैं ना इसको हम, डी एक्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 1 प्लस दिया है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, ए स्केयर अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस एक्स के प्लेस पर एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 1 एंड प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। ओके, ऑप्शन जो आपका सही हो आप चेक कर लो, मिला लो इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। 11 में हमारे पास क्या गिवन है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4, तो x माइनस 4 का होल स्केयर प्लस 7 है यहाँ पर, और 4 का स्केयर करके माइनस कर देंगे मतलब 16 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्केयर ये बच गया माइनस 9, तो मैं इसको 3 का स्केयर लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला अगेन बन गया हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का। ओके, ये 32 नहीं है यहाँ पर, ये 3 का स्केयर है, थोड़ा सही से लिख देते हैं, अदरवाइज आप में से ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको 32 समझ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो गया एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दो यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स अपॉन 2, तो एक्स के प्लेस पर है यहाँ पर एक्स माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, मतलब एक्स माइनस 4 का होल स्केयर माइनस 9। अब माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, ए स्केयर अपॉन 2, ए स्केयर हो जाएगा 9 अपॉन 2 लॉग
मॉडुलस एक्स, तो एक्स के प्लेस पर आ गया एक्स माइनस फोर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ओके, आप सिंपलीफाई कर दो इसको, कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस फोर एज इट इज रहेगा अपॉन टू अंडर रूट, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो जो हमारा क्वेश्चन था वही बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस सेवन माइनस नाइन अपॉन टू लॉग मॉडुलस, ये x माइनस फोर एज इट इज रहेगा, इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आपको अगेन मिलेगा हमारा क्वेश्चन माइनस एट एक्स प्लस सेवन मॉडुलस क्लोज प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अब जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं आप अपने ऑप्शन से चेक कर सकते हो। तो आई थिंक हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, आपकी बुक में 11 क्वेश्चंस थे, 11 के 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लें, उससे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।